ये कौन सी दर्द थी जो मैं बोल रहा था कि आपके गिल्टी हैं और उसको दर्द को मैं कम होते हुए जाते हुए देख रहा हूं और उसके बाद ये पूरी तरह फ्री हो जाओगे आप। प्रेरित जी बता रहे कि एक हफ्ता हो गया था इनकी राइट साइड लेग में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, इनसे बैठा भी नहीं जाता था, खड़े भी नहीं ज्यादा समय रह सकते। और से बता रहे कि जैसे पिछले थर्सडे इनके लिए प्रेयर हुई थोड़ा फर्क पड़ा था, आज इन्होंने पूरा विश्वास और मान दिया। जब बता रहे उसी समय परमेश्वर की ग्रेस इनको छुआ, आज इन्होंने चेक किया जे बैठ भी सकते। देखो उठो उठो बैठो। ये कौन सी दर्द थी जो मैं बोल रहा था कि आपके गिल्टी हैं और उसको दर्द को मैं कम होते हुए जाते हुए देख रहा हूं और उसके बाद ये पूरी तरह फ्री हो जाओगे आप। हाँ नहीं, पहले बताओ पहले आपके ये ऐसे ये प्रॉब्लम थी जो मैं बोल रहा था आपके, नहीं खाली आपके लेग में आपकी टांग में दर्द थी कि आपके भी कोई गिल्टी थी? चेक करो देखो। हाँ गिल्टी काफी बड़ी है, मैंने भी देखी है। और इसमें दर्द नहीं है? अपने थर्सडे के मीटिंग में इन्हें जो आए थे, ये जितने लोग इधर खड़े ना वो इधर आ जाओ, क्योंकि पिछले वालों को देखना चाहिए हम किसकी गवाही दे रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए ना परमेश्वर काम कर रहा है। इस साइड आओ सारे, जिन लोगों ने गवाही देनी इस साइड आ जाओ, आगे आ जाओ सारे, लोगों को पीछे नजर आना चाहिए ना। आप जो लोग खड़े हैं इस साइड हो, इनको थोड़ा सा ऐसे करो, इस साइड को आगे आ जाओ, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है और वो काम करता है। पर कई लोग ढीले होते हैं और बैठे रहते हैं चुप करके। हाँ कुछ लोग अपना विश्वास देते नहीं है, जो खुदावंद उनके लिए बोल रहे हैं वो अपना मन देते नहीं, और जो देते हैं फिर वो गवाही से आते हैं। अपने चेक अब अपने बैठ कर अब चल कर दिखाओ थोड़ा सा, क्योंकि उस दिन और तारीफ करो जोर से, मेरा खुदा है, जोर से तारीफ करो जोर से, आपने देखा उस दिन मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, चलो फिर जितने लोग मारे कर दी ना करे बर्बाद किसे गलती। अरे इनकी हालत देखना था, और जितने लोग इस हालत में आंखें बंद करो और चंगे हो जाओ।